8th, chapter number 2, exercise number 2.2, points to remember. Now, how to solve given word problem? हमें जो नेक्स्ट में क्या दिया जाएगा एक्सरसाइज में हमें दिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम, तो हमें उसे सॉल्व कैसे करना है उसकी कुछ स्टेप्स है वो हम देखेंगे. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले आपको जो उसमें क्वेश्चन दिया है वो आपको सही से पढ़ना है. डिनोट अननोन क्वांटिटी बाय सम लेटर्स एक्स वाई जेड. जो उसमें हमें फाइंड आउट करना है जो मतलब क्वांटिटी जो दिया होता है वो जो हमें पता नहीं है उसे फाइंड अननोन क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करेंगे एक्स वाई एंड जेड. ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. फिर उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. नाउ फोर्थ स्टेप इज सॉल्व द इक्वेशन अप फॉर द अननोन. अब आपको उसको फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन हुआ है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जो इक्वेशन बनाई है वो आपको सॉल्व करनी है. लेट्स सी द एग्जांपल कैसे करेंगे. व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. ये हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है. अब हमें दिया है व्हाट शुड बी एडेड. ये कोई क्वांटिटी या कोई नंबर है जो हमें पता नहीं है उसे हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे x. ठीक है, टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3. तो पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में -7/3 है उसका हमें क्या करना है ट्वाइस करना है. तो ट्वाइस करने के लिए क्या करेंगे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 2 = 14 × 3 ये एक नंबर हो जाएगा. ठीक है, ये हमने क्या किया इस नंबर का हमें ट्वाइस बोला इसने वो किया. अब हमें क्या करना है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द नंबर. इसका ट्वाइस कर लिया अब हमें क्या ऐड करना है तो लेट द नंबर जो हमें ऐड करना है वो क्या जाएगा लेट द नंबर इज एक्स. उसको हम सपोज करेंगे सपोज द नंबर इज एक्स. तो अब एक्स हमें किसमें ऐड करना है -14/3 में टू गेट 3/7 तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 3/7 आ जाएगा. तो ये हमारा बन गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट. हमने क्या किया पहले पढ़ा फिर उसके बाद डिनोट किया x से. ठीक है, पढ़ने के बाद पहले हमने इसको सॉल्व किया फिर डिनोट किया x से. अब हमारा स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या दिया हुआ है 3/7 तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे x प्लस माइनस माइनस 14/3 यहाँ पे दिया हुआ है 3/7 तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x 3x. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 14/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3/7. अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 14 और ये क्या आ जाएगा 3 यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में 3/7 और डिवाइड में है वो 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 14 3 × 3 = 9/7 राइट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3x यहाँ पे रहने देंगे 9/7 या माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में. अब 3x अब यहाँ पे इसका क्या आएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 14 × 7 = 98. ठीक है, अब इसको आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 9 + 8 = 17 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे आएगा 3x = 107/7. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे x है यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में 3 है वो कहाँ चला जाएगा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा 3 राइट. अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 17 तो यहाँ पे हमारा ये 3 से डिवाइड होता नहीं है. 7 से करेंगे 7 × 1 = 7 बचेगा 3 7 × 5 = 35 तो ये भी हमारा डिवाइड होता नहीं है तो एज इट इज हमारा 107 हो जाएगा 107/21 इज ओवर आंसर. हमें ट्राई कर लेना है कि हमारा ये यहाँ से कैंसिल होता है ऊपर नीचे या नहीं. तो यहाँ पे 7 × 1 = 7 करेंगे 3 बचेगा 7 × 5 = 35 फिर 2 बचेगा तो ये हमारा कैंसिल नंबर ऊपर नीचे हो नहीं रहा तो 107/21 is over. Chapter number 2, exercise number 2.2, question number 1. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? अब हमें ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है पहले हमने उसे देखा स्टेप में हमें पहले इसे कैरफुली रीड करना है फिर क्या हमें पूछा है वो हमें देखना है. तो अब हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है लेट द नंबर रिक्वायर्ड हमारा जो होगा उसको क्या लेंगे हम हमने क्या देखा उसमें x लेना है. ठीक है, अब उसमें से क्या करना है सबस्ट्रैक्ट 1/2 तो हम
क्या करेंगे x माइनस वन बाई टू, अब जो हमारा x बाई x माइनस वन बाई टू आया उसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट आया ये हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे वन बाई टू से, ठीक है। ये हमने क्या किया, द रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये करने से हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, यू गेट वन बाई एट, बट द रिजल्ट इज, हमारा रिजल्ट क्या है वन बाई एट। तो अब हमारा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वन बाई टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन बाई एट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू वन बाई एट में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, टू इसको वन बाई टू को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग टू टू बोथ साइड्स, हम दोनों साइड क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन बाई फोर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये x इक्वल टू वन बाई फोर और यहाँ पे माइनस में दिया है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा प्लस में। ये हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग क्या ट्रांसफर किया हमने इसको, माइनस वन बाई टू, ठीक है, टू किस साइड किया, आर एच एस राइट हैंड साइड इसको ट्रांसफर किया हमने। अब क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, फोर, एलसीएम ऑफ फोर एंड टू कितना आएगा, फोर कितना आएगा यहाँ पे वन और यहाँ पे कितना आ जाएगा टू, राइट, आंसर क्या आएगा हमारा थ्री बाई फोर। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर। क्वेश्चन नंबर टू, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, हमें पेरीमीटर दिया है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब हमारा जो ब्रेथ है उसका हम ट्वाइस करेंगे, उसमें भी 2 मीटर मोर, मतलब जो हमारा ब्रेथ होगा उसमें क्या करेंगे, हम ट्वाइस कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे ना, तब हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगा। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, अब हमें इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा लेंथ हो जाता है, यहाँ पे हमारा ब्रेथ हो जाता है, तो ब्रेथ हम कितना एज्यूम करेंगे, एक्स, क्या करेंगे, लेट द ब्रेथ कितना लेंगे हम इसका, एज्यूम क्या करेंगे, एक्स। अब क्या करना है इसका, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इट्स लेंथ इज ट्वाइस, क्या आएगा ट्वाइस, मतलब इसका ब्रेथ का ट्वाइस कर रहे हैं, तो 2x हो जाएगा, फिर 2 मीटर मोर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा इसका ब्रेथ का ट्वाइस और उसमें भी 2 मीटर मोर देन मतलब उसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा लेंथ। अब हमारा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 154 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना दिया हुआ है, 154 मीटर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या लगाएगा, 2l + b, यहाँ पे 2 क्या आएगा हमारा, l कितना है, 2x + 2, ये हमारा हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ कितना है हमारा x, ठीक है। अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 154 मीटर और ये कितना आ जाएगा 2x + x, मतलब कितना आ जाएगा 2 + 1 3x हो जाएगा, 3x प्लस ये कितना है हमारा 2 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे 154 मीटर और ये यहाँ पे और जो 2 दिया हुआ है वो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा वो डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2 मीटर एज इट इज, ठीक है। अब 2 7 = 14 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 7 = 14, तो कितना आएगा 77 मीटर 3x + 2 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3x, राइट। अब क्या हो जाएगा 75 = 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/3, 3 1 = 3, 25 3 = 75। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इस तरह से 3
75 डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6 यहाँ पे क्या आएगा 1 15, 3 5 15, आगे यहाँ पे आंसर आपका 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 25 मीटर है वो हमारी क्या आई ब्रेथ 25 मीटर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे हमें क्या मिला है 2x + 2, ये हमारा लेंथ का है। तो लेंथ में हम यहाँ पे x जो वैल्यू आई है वो रखेंगे, 2 कितनी आई है 25, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, 25 2 50 + 2 = 52 मीटर, वो क्या आ गई हमारी लेंथ। तो हमारी ब्रेथ आई 25 मीटर और लेंथ आई हमारी 52 मीटर। 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। अब ये क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आइसोसेलेस, मतलब उसकी जो तीनों साइड्स होगी हमारी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, सॉरी उसकी दो साइड है वो हमारी सेम रहेगी आइसोसेलेस में, ठीक है। फिर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15, इसका पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है 4 2/15। वॉट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो आइसोसेलेस है उसमें हमारी दो साइड्स होती है वो हमारी इक्वल होती है, बेस हमारा दिया हुआ है तो ये दोनों साइड हमारी हमें फाइंड आउट करनी है वो इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे लेंथ द साइड्स, लेंथ द इक्वल साइड्स बी क्या ले लेंगे उसको हम एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ क्या जाएगा ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, क्या होते हैं तीनों के तीनों साइड का प्लस होता है l + l + b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा l प्लस l, वो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं x प्लस x, d हमारा कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x 2x + 4/3 cm, राइट सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 4 2/15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और किसके इक्वल होगा ये 4 2x + 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 15 4 60 60 + 2 62 / 15, अब ये क्या जाएगा 2x + 4/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो 62 / 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 2 6 6x + 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड, यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएगा 62 3 6x + 4 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स क्या आएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 3 3 5 15 3 3 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा हमारा बैठ जाती 62 by 5 6x + 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अगेन हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 5 क्या हो जाएगा 62 by 5 मल्टीप्लाई बाय 5 6x + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 कैंसिल 62 कितना जाएगा 6 5 30x + 5 4 20। अब क्या करेंगे 30x यहाँ पे 20 62 प्लस है यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 62 - 20 सो 30x यहाँ पे कितना आ जाएगा 42। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 30x है तो यहाँ पे 42 के डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, वो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 6 7 = 42 6 5 = 30, तो x हमारा कितना आ जाएगा 7/5 सेंटीमीटर, तो हमारी जो दोनों इक्वल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारी 7/5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो दोनों लेंथ है वो हमारी कितनी आई 7/5 सेंटीमीटर।